इस विषय में सीएम सचिवालय को भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है। एडिशन ये है कि मंदिरों का अतिक्रमण हटाकर बिल्डरों को दे दिया जाएगा। अतिक्रमण हटाया जाएगा जी, बिल्डरों को देने की बात नहीं है जी। ऐसे मंदिर जिनकी बहुत जमीनें हैं, उज्जैन में 25,000 एकड़ और तो कोई उपयोग नहीं आ रहा, कोई काम नहीं है, तो ऐसी चिन्हित करके उसको धर्मस्थ विभाग या सरकार उसको वो करेगी, मतलब ऑक्शन करके देगी, और ऑक्शन के बाद जो पैसा आएगा उससे फंड बनेंगे, मध्य प्रदेश का फंड, जिले का फंड, जिससे सब मंदिरों का में जीर्णोद्धार किया जा सकता, काम किए जा सकते हैं। कोई बिल्डरों को बेचने का नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री भी आ सकती है और कुछ भी हो सकता है, वहाँ उसी काम, लेकिन वो जगह जो खाली पड़ी है वहाँ कोई मंदिर भी नहीं है, मंदिर के नाम से है। ऐसी मथुरा और प्रदेश के बाहर भी हैं और जहाँ कोई मंदिर भी नहीं है लेकिन मंदिर के नाम से ज़मीन है, इसलिए डोनेट कर दी किसी जमाने मंदिर को, तो ऐसी ज़मीनों को बेच के उसका पैसा, जैसे मान लो यहाँ सतना जिले में कोई जगह है तो मंदिर वगैरह वहाँ नहीं है, वो मंदिर के नाम से ज़मीन है, तो उसको सेल कर, तो वो जो पैसा आएगा उसमें से एक हिस्सा उसका 50% जाएगा सेंट्रल फंड में मध्य प्रदेश में, एक जाएगा जिले के में, तो जिले में जितने मंदिर हैं उनमें काम हो सके, अच्छे मंदिर को और ठीक किया जाए, ये कंसेप्ट। ठीक, थैंक यू। लाइक शेयर करें www.newslivemp.com।